मैं बता दूं, मेरा चैनल जो है 500 सब्सक्राइबर टच करने वाला है, 494 सब्सक्राइबर है, तो आप प्लीज मुझे मदद कीजिए 1000 सब्सक्राइबर करने में। गाइज, मैं आज 3 एक्सरसाइज को कंपेयर करने वाला हूँ, रनिंग, स्किपिंग और बर्पीज, और मैं आपको बताऊंगा विच इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू लूज योर फैट फास्टर। मैं ये तीनों एक्सरसाइज 3 फैक्टर्स पे कंपेयर करूंगा और आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कौन सा सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है और सबसे सेफेस्ट एक्सरसाइज है ताकि आप अपने बॉडी से फैट परसेंटेज को लो कर सके। वो 3 फैक्टर कौन से होंगे? सबसे पहला फैक्टर होगा कौन सी एक्सरसाइज सबसे कम समय में ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है। दूसरा फैक्टर होगा कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, सबसे ज़्यादा स्पेस मांगता है वो एक्सरसाइज ताकि उसको परफॉर्म किया जाए। तीसरा फैक्टर होगा क्या आप अगर इस किसी भी एक्सरसाइज में इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं आपके कैलोरी बर्न में। तो ये 3 फैक्टर पे मैं बात करूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूं। मैं एक फिटनेस ट्रेनर और एक एक्टर हूं, मेरा नाम हर्षल सिंह है और आप देख रहे हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है मैं उस पर बात करूंगा, तीनों एक्सरसाइज में कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा फैट बर्न करती है, सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है सबसे कम समय में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रनिंग के बारे में। मैं हर एक्सरसाइज में 10 मिनट में कितना कैलोरी बर्न होता है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। रनिंग में सबसे पहले अगर आप 10 मिनट तक रनिंग करते हैं, मैं यहाँ रनिंग की बात कर रहा हूँ, जॉगिंग की बात कर रहा हूँ, स्प्रिंटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो रनिंग अगर आप 10 मिनट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 100 कैलोरी बर्न होता है आपका 10 मिनट के अंदर। दूसरा है स्किपिंग। स्किपिंग में मैं हाई लेवल इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एक एवरेज पर्सन जिस हिसाब से स्किपिंग करता है मैं उसके हिसाब से बताने वाला हूँ। तो स्किपिंग अगर आप 10 मिनट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 110 कैलोरी बर्न होता है आपका 10 मिनट के अंदर। तो स्किपिंग ऑब्वियस बात है, स्किपिंग रनिंग से अच्छा है 10 मिनट में क्योंकि वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है। तीसरा है बर्पीज। बर्पीज एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्सरसाइज है, अगर आप बर्पीज करते हैं तो आप 10 मिनट तक रेगुलर बर्पी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ, 10 मिनट तक अगर आप रेगुलर बर्पी करते हैं तो आपके बॉडी से अप्रॉक्सीमेटली 150 कैलोरी 10 मिनट में बर्न होता है। तो ऑब्वियस बात है, अगर तीनों एक्सरसाइज को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे बर्पीज सबसे टॉप पे आता है, सेकंड में स्किपिंग, थर्ड में आपका रनिंग आता है। अब मैं दूसरे फैक्टर के बारे में बात करूँगा, कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा स्पेस खाती है। तो मैं फिर अगर बर्पीज से चालू करूँ, बर्पीज आप 6x6 के एरिया में इजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, तो बर्पीज 6x6 के एरिया में हो जाएगा, स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करेगा। सेम गोज विथ स्किपिंग। स्किपिंग अगर आप करते हैं तो वो 6x6 के एरिया में हो जाएगा, लेकिन आपका जो रूफ का एरिया होना चाहिए वो थोड़ा ऊँचा होना चाहिए ताकि आपका जो रस्सी है, जो स्किपिंग रोप है, वो सर के ऊपर से ईजिली पार हो सके। थर्ड की मैं बात करूँगा, अगर आपके पास ट्रेडमिल है तो वो एक छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन एवरेज पर्सन, एक मिडिल क्लास पर्सन के पास ट्रेडमिल नहीं होता है तो उनको रोड रनिंग करना पड़ता है या फिर ग्राउंड रनिंग करना पड़ता है। तो ऑब्वियस बात है, थर्ड वाला जो एक्सरसाइज है एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, आपको रोड रनिंग या फिर ग्राउंड रनिंग करना पड़ेगा। तो इसमें भी बर्पीज और स्किपिंग टॉप 2 में आता है, जैसे कि पहला जो फैक्टर था उसमें भी टॉप 2 में आता है, सेकंड फैक्टर में भी टॉप 2 में आता है। थर्ड फैक्टर की मैं अगर बात करूं, तो अगर थर्ड फैक्टर में अगर आप हर एक्सरसाइज में इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद वो एक्सरसाइज ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है? ऑब्वियसली किसी भी एक्सरसाइज में अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो वो चैलेंजिंग हो जाता है। तो बर्पीज़ में आप इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? बर्पीज़ में आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो आप उसको 1 मिनट में ज़्यादा रेप लगाएंगे, 2 मिनट में ज़्यादा रेप लगाएंगे, इस तरह से आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। आप HIIT ट्रेनिंग कर सकते हैं बर्पीज़ को इन्वॉल्व करके। सेकंड मैं बताऊँ, स्किपिंग में आप बहुत सारे वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं जिससे आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करने लगेगा। अब तीसरे के बारे में बताऊँ मैं, अगर रनिंग में अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जॉगिंग के बजाय आप स्प्रिंटिंग करने लगते हैं, तो ऑब्वियस बात है वो बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करने लगेगा, वो एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग हो जाएगा और शायद हो सकता है कि बर्पीज और स्किपिंग से ज़्यादा कैलोरी बर्न करे अगर आप स्प्रिंटिंग करते हैं। तो स्प्रिंटिंग आप स्ट्रेट 10 मिनट 1 मिनट के लिए नहीं कर पाएंगे, वो आप कुछ सेकंड्स के लिए कर पाएंगे, 15 सेकंड या फिर 20 सेकंड के लिए कर पाएंगे, और वो उतने टाइम में आप बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे। तो अगर तीसरे फैक्टर की मैं बात करूं कि आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ज़्यादा कैलोरी बर्न करने लगता है, तो मेरे हिसाब से तीसरा फैक्टर में सबसे टॉप पे आएगा रनिंग, सेकंड में आएगा बर्पीज, थर्ड में आपका स्किपिंग। क्योंकि रनिंग में आप स्प्रिंटिंग करने लगते हैं, बर्पीज में आप रेपिटेशन बढ़ा देते हैं, स्किपिंग में आप वेरिएशन करने लगते हैं, तो इसमें जो आपका क्रोनोलॉजी है वो पूरा बदल जाएगा। रनिंग ऊपर आ जाएगा, बर्पीज सेकंड पे आ जाएगा, स्किपिंग थर्ड पे आ जाएगा तीसरे फैक्टर के हिसाब से। तो मैं अब तीनों फैक्टर को कंक्लूड कर लेता हूं और आपको बताता हूं कौन सा सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा फैट बर्न करेगा वो।
तो बेस्ट एक्सरसाइज और सेफेस्ट एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो वो है बर्पी। अगर आप बर्पी करते हैं तो वो कम समय में आपका ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगा, आपका ज़्यादा आप फैट लॉस करने में मदद करेगा। सेकंड में स्किपिंग आएगा, थर्ड में रनिंग आएगा, तो इस क्रोनोलॉजी में रहेगा वो बर्पीज एट द टॉप, सेकंड में स्किपिंग, थर्ड में आपका रनिंग आएगा। तो मैं होप करता हूँ इस वीडियो से आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि कौन सा एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा, सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है, तो आप उस हिसाब से अपने एक्सरसाइजेज को चुनें और सबसे कम समय में अपना कैलोरी बर्न करे और अपना फैट लूज करे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको फैट लॉस करने में प्रॉब्लम होती है ताकि वो जल्दी से अपना फैट लॉस कर दे, तो ये वीडियो देखने के बाद अपना एक्सरसाइज वो ईजिली चुन सके कौन सा एक्सरसाइज जल्दी फैट लॉस करने में उनको मदद करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं।